जय हिंद मेरे भाई। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। काफी दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं। बस दिन खुली थोड़ा इधर उधर बिजी थे, कुछ छुट्टियां में अब सब हो चुका है खत्म। बराबर आपको वीडियो मिलती रहेगी, जिस चीज पे आप बोलोगे उस पे आपको वीडियो मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शोल्डर पे। तो जो वर्कआउट होगा शोल्डर के लिए वर्कआउट किया जाएगा, शोल्डर अपने अगर चौड़े करने हैं तो आप कौन सा वर्कआउट कर सकते हो, जो बेस्ट वर्कआउट है वही आपको बताए जाएंगे। अगर भाई जिम में हो तो जिम में सारी मशीनें होती हैं, आप जिम वर्कआउट कर सकते हो। अगर नहीं है, घर पे कर रहे हो तो घर भी कर सकते हो, बस दो डंबल की जरूरत है। चलते हैं अपना पहला वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, जो डंबल से होगा हमारा होगा शोल्डर डंबल प्रेस। जिम में हो भाई तो टेबल मिली जाएगी, टेबल बैठ कर सकते हो, नहीं तो अगर आप घर पे वर्कआउट कर सकते हो कहीं भी बैठ के। डंबल को सीधा रखना है, ऊपर की तरफ ले जाना है, ये नीचे लाएंगे बस, बहुत नीचे, बहुत लोग यहाँ तक लाते हैं ना शोल्डर छुपाते, तो इना करना है, पूरा हाथ ऊपर गया हमारा सीधा नीचे आए बस कान के पास तक, फिर ये ऊपर फिर ये नीचे, वेट नीचे की तरफ आए, सांस रोक के रखिए, वेट ऊपर जाए सांस बाहर। तो इसको हम मारेंगे चार सेट रिपीटेशन होंगे 8, 10, 12, 15 जितना आप मार सकते हो उतना। तो चलते हैं दूसरे वर्कआउट पे। दूसरा वर्कआउट क्या होगा, साइड लेटरल रेजेस। डंबल लेना है ऊपर की तरफ उठाना है, जब कौवा ना उड़ाते हैं इसे बस ऊपर फिर नीचे, उससे क्या हमारा होता है ये चीज पूरा राउंड अप पे आता है। डंबल ले लिए, ये ऊपर की तरफ गया, होल्ड फिर डाउन। इसमें एक गलती बहुत लोग करते हैं, डंबल उठाएंगे पूरा यहाँ तक लाएंगे, इना करो आराम से इसको उठाओ, थोड़ा होल्ड करो फिर नीचे आराम से, हथवा हल्का सा मोड़ के रखना है डंबल यहां पे। ये इसको भी हम मारेंगे 4 सेट रिपीटेशन 8, 10, 12, 15 जो भी आप कर सकते हो, जरूरी ना कि 15 मारेंगे, अगर 8 नहीं हो रहा है तो भैया 15 कहां से करोगे, तो जितने आपसे उतने मारने। तो हम करने जा रहे हैं अपना तीसरा वर्कआउट। तीसरा वर्कआउट होगा हमारा जो बैक एंड होता है पूरा, ये वाला एरिया यहाँ पे कट बनता है ना पूरा, ओके लिए एक लिए डंबल लेना है, बॉडी पूरी झुका के डंबल के बीच इतना गैप कन्फर्म रहेगा, ठीक ऊपर ले जाना है फिर ये नीचे आराम से। तो अब करेंगे हम अपना लास्ट वर्कआउट, ये जो एरिया होता है ट्रैप्स पूरा, इसके लिए डंबल उठाने दोनों साइड में रखने यहाँ पे, शोल्डर पूरा ऊपर खींचेंगे होल्ड फिर नीचे लाएंगे। इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, गलती जो होती है हथवा पूरा ये मोड़ लेंगे, तो एक ना करना है, हाँ सीधा रखिए अपना ऊपर की तरफ लाइए होल्ड फिर स्लो डाउन, होल्ड फिर डाउन आराम से। तो मेरे भाई यही था आज का शोल्डर वर्कआउट। अगर आपके शोल्डर वीक है आप वर्कआउट ट्राई कर सकते हो, जबरदस्त वर्कआउट है और जबरदस्त रिजल्ट देगा। अगर ये शोल्डर आपको चौड़े करने हैं तो आप वर्कआउट एक बार जरूर ट्राई करके देखना। तो आप लोग बता दीजिएगा अगली वीडियो किस चीज पे चाहिए, और वीडियो भी कंटिन्यू आएगी। तो भाई जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।